हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडीटी में स्वागत है। आज मैं आप लोग का इंग्लिश का पेपर पैटर्न लेकर आ चुका हूँ। मेरे भाई, इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लिए तो 100% मैं बोलता हूँ आप लोग का इजीली आप लोग कवर कर सकते हो। यहाँ पर इंग्लिश का पेपर अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर 80 नंबर का जो आप लोग का एग्ज़ाम, फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम होने वाला है लैंग्वेजेस का, उसमें का आज मैं लेकर आ चुका हूँ इंग्लिश का पेपर पैटर्न। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखोगे, आप लोग का 80 नंबर का पेपर रहता है, 3 घंटे का एग्ज़ाम रहेगा और ये 2024 का जस्ट पेपर है, इंग्लिश का बोर्ड का पेपर है मेरे भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ इसको अच्छी तरीके से ध्यान से देख लो। 100% सेम टू सेम आप लोग का फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम इसी पैटर्न से आने वाला। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो बोर्ड का पेपर है, मेरा फर्स्ट सेमिस्टर ऐसा नहीं आएगा, तो मेरे भाई आप जा सकते हो, बिंदास आप लोग जा सकते हो। बट जिसको अगर वो यहाँ फर्स्ट सेमिस्टर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा खासा स्कोरिंग करना है, फुल यहाँ पर मार्क लाना, क्लास 9th वाले के लिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न जस्ट बनता है, इसके लिए ध्यान से देख लेना। और जो नहीं देखना चाहता मेरे भाई, बिंदास जा सकता है। कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कि आप वीडियो को अच्छी तरीके से देखो, नहीं देखोगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आप लोगों को एग्ज़ाम में आता है यहाँ पर एक्टिविटी सीट्स, और यहाँ पे सेक्शन 1 करके दिया रहता है जो लैंग्वेज स्टडी रहता है। देखोगे यहाँ पर लैंग्वेज स्टडी इस तरीके से करके दिया गया, और ये टोटल यहाँ पर देखोगे 4 मार्क के लिए पहला क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे क्वेश्चन रहेंगे वो चीज़ बता दो। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, इसको मैं काट देता हूँ, क्वेश्चन नंबर पहला ए रहेगा, उसमें आप लोग को डू एज डायरेक्ट रहेगा, एनी 4 करना रहेगा, और 5 क्वेश्चंस डिफरेंट डिफरेंट दिए रहेंगे। ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ डू एज डायरेक्ट का वीडियो, आप लोग अगर नहीं देखो फटाफट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो चीज़ देख लो, आप लोग का ईजिली पूरा कवर हो जाएगा। वहाँ पे 36 पार्ट में उस वीडियो में बताया हूँ, पूरा लैंग्वेज स्टडी पूरा कंप्लीट कर दिया। अब इसमें देखोगे छोटा छोटा ग्रामर रहेगा, आप लोग का इन्फिनिटिव वर्ड, आप लोग का पंचुएट करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस आएंगे। देखो यहाँ पर छोटा हिडन वर्ड, इस तरीके से आप लोग को 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। 5 में से आप लोग को क्या करना है, इसमें से जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है परफेक्ट, वो चीज़ आप लोग को यहाँ से 4 अटैम्प्ट कर लेना। उसके बाद आप लोग को उसी में रहेगा क्वेश्चन पहले का ए का, पहले का A2 आएगा, डू एज डायरेक्ट रहेगा, आप लोग को Any2 करना रहेगा। अब वो चीज़ कितने नंबर के लिए रहेगा, ए भी आप लोग का 4 नंबर के लिए रहेगा, 3 क्वेश्चन जस्ट दिया रहेगा। देखो इसमें भी छोटा छोटा ग्रामर रहेगा, ऐसुन ऐस आ गया, और यहाँ पर होमोग्राफ आ गया, इसमें से आप लोग को जो आप लोग को अच्छा लगता है ना वो करना रहेगा, आप लोग को Any2 ही करना है, ध्यान से सुना, Any2 करना है, डू एज डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहले का A2 में। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा जो आप लोग को यहाँ पे दिया, देखो इसमें सिंपल तरीका, कंपाउंड वर्ड, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू द कंपाउंड वर्ड। आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, रेस्ट और रूट का, रूटीन का सिंपल तरीका याद रखना, अच्छी तरीके से बनाना, Any1 करना रहेगा, बी वाला क्वेश्चन पहले का बी है, ये 2 नंबर के लिए। ऐसा आप लोग का टोटल क्वेश्चन नंबर पहला जो सेक्शन 1 था वो आप लोग का 10 मार्क के लिए आया, लैंग्वेज स्टडी 10 नंबर के लिए आता है। अब उसके बाद आता है दूसरा, जो आप लोग का यहाँ सेक्शन 2 दिया गया, टेक्सुअल पैसेज आप लोग के बुक का ही रहेगा, रीडिंग स्किल, वेकेबलरीज एंड ग्रामर, ये सेक्शन 3 आने वाले हैं टेक्स्ट बुक सेक्शन 2 में। और ये कितने नंबर के लिए पहला पैसेज रहने वाला, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ए 10 मार्क के लिए। देखो ये पैसेज दिया रहेगा, जस्ट पैसेज के अंदर ही से आप लोग को ये सब ढूंढ के लिखना है मेरे भाई। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कहीं के लिए छोटा हो गया भाई। देखो ये जो पैसेज दिया गया है नीचे, इसी में से पैसेज, देखो नेम द फॉलोइंग द रेफरेंस टू द पैसेज, पैसेज के अंदर से ढूंढ के जस्ट लिखना है। देखो एक्टिविटी ज़्यादा करके आप लोग को एक्टिविटी के ही माध्यम से, और ये जो आप लोग को छोटा छोटा ग्रामर दिया गया डू एज डायरेक्ट, ये आप लोग को सिंपल तरीके, देखो इसे आइडेंटिफाई करना है आप लोग को क्या, अंडरलाइन वर्ब, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया, एक्शन, वर्ड, तो सिंपल तरीके ये सब आप लोग को समझ के लेना है अच्छी तरीके से। एंड उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोग को दिया गया है एक जो A5 आता है पर्सनल रिस्पॉन्स के तरीके से, यहाँ पर फेलियर इज द कीज टू सक्सेस, एक्सप्लेन इन योर ऑनवर्ड, 2 नंबर के लिए आएगा, ईजिली आप लोग बना के इसके रिलेटेड लिखना रहेगा। एंड अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर उसी का दूसरे का B है,
ये भी 10 नंबर के लिए आएगा। अगर वीडियो को लास्ट तक देख रहे हो मेरे भाई तो एक कमेंट जरूर कर देना। आप लोग 100% जो वीडियो अभी तक देख रहा है पूरा देख लिया वीडियो तो 100% बोलता हूँ ईजिली आप लोग का यहाँ पर लैंग्वेज में आप लोग इंग्लिश में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर बी में पैसेज रहेगा जस्ट इसके अंदर ट्रू फॉल्स देख रहे हो, छोटा छोटा क्वेश्चन आएंगे। एक्टिविटी के माध्यम से सबसे ज़्यादा एक्टिविटी आता है, देखो एक्टिविटी आप लोग को यहाँ पर एल वाई कंपाउंड वर्ड देख रहे हो कितना क्वेश्चन छोटा छोटा आया। देखो 2 नंबर एल वाई जोड़ने वाला पैसेज में ढूंढना है, 2 कंपाउंड वर्ड इसी पैसेज के अंदर से ढूंढना है, एंड उसके बाद डू एज डायरेक्ट है, चेंज द इनडायरेक्ट स्पेस एड, क्वेश्चन टैग है। सिंपल तरीका देख रहे हो इसमें कितना ईजी क्वेश्चन दिया गया है, देख रहे हो कोई भी टेंशन नहीं लेना। अब देख रहे हो यहाँ पर क्वेश्चन टैग दिया है, यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में आप लोग को देखो ए दिया गया, इसमें सिंपल तरीका डी आई डी डिडंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, बस हो गया इसका आंसर हो गया। देख रहे हो मेरे भाई डिडंट ईजिली, क्योंकि मेन वर्क का कौन सा फॉर्म था, सेकंड फॉर्म था। अब यहाँ डिस्क्राइब करना है 2 नंबर के लिए, ए पर्सनल रिस्पॉन्स है, अब पोएट्री का सेक्शन आ जाता है 3rd वाला। अब ये चीज़ आप लोग का 5 नंबर का ए आएगा एंड 5 नंबर का अप्रिसिएशन। देखो क्वेश्चन नंबर 3rd का ए है, आप लोग को एक्सटेंजा दिया गया है अच्छी तरीके से पोएट्री का, देख रहे हो आप लोग को ईजिली इतना बड़ा पैराग्राफ दिया गया। अब इसमें से आप लोग को सिंपल तरीका आंसर ढूंढ के लिखना है, देख रहे हो आंसर ढूंढ के लिखना है, कोई भी टेंशन लेना नहीं है। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अप्रिसिएशन आता है, हेरिटेज वाला है, हाइट वाला, रेडिकोल, यहाँ पर देखो इतना इजी, देखो यहाँ पर ए दे दिया एंड यहाँ पर आता है, देखो इस तरीके से पोएट्री का नाम भी देता है, देखो कितना इजी पोएट्री का नाम भी दिया गया और कैसे लिखना है, देखो टाइटल पोएम का एंड राइमिंग स्कीम फिगर ऑफ स्पीच सेंट्रल आइडियाज, बस आप लोग इजीली आप लोग को 5 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को 5, 5, 10 नंबर हो गया। अब उसके नॉन टेक्सुअल को पैसेज आएगा जो आप लोग के बुक का नहीं रहेगा, सेक्शन 4। अब इसे रीडिंग करना है, वही चीज़ आप लोग का समरी बमरी आएगा, आप लोग इजिली ग्रामर और समरी वेकेबलरीज एंड द रीडिंग स्किल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 का ए 10 नंबर के लिए जस्ट रहने वाला है। अब ये देखो ये नॉन टेक्सुअल पैसेज है, जस्ट आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। अब इसमें आप लोग को समझ के अच्छी तरीके से लिखना है, डू एज डायरेक्ट देखो दिया गया अच्छी तरीके से, मॉडल ऑक्सिलरी आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, देखो कैन है, सिंपल तरीका आप लोग आइडेंटिफाई कर लिए, एंड आप लोगों को नॉट ओनली बट आल्सो लगाना है, एंड को हटाओ सिंपल तरीका, एंड को हटा के आप लोग को लगाना है बट आल्सो, बट आल्सो एंड ए मैजिक के जस्ट आगे क्या लगा दोगे नॉट ओनली, देखो ईजिली हो गया मेरे भाई, कुछ भी नहीं है टेंशन नहीं लेना है। और A5 जो देता है 5वां क्वेश्चन ईजिली आप लोग का पर्सनल रिस्पॉन्स रहता है। समरी, अब यहाँ पर 5 नंबर के लिए समरी आने वाला, क्या करना है रीड द पैसेज क्वेश्चन नंबर 4 का ए, राइट इट्स समरी पैराग्राफ सजेस्टेड सुटेबल टाइटल। अब ए वाला जो ऊपर का इतना बड़ा दिया था पैसेज, इस पैसेज को आप लोग को सिंपल तरीका क्या करना है छोटे में बना देना है, क्या करना है छोटे में बना देना है, हो जाएगा ईजिली, इतना बड़ा दिया है इसको 2 पैराग्राफ में आप लोग को कन्वर्ट कर देना, ईजिली आप लोग को 3 से 4 नंबर मिल जाएगा। अब आता है राइटिंग स्किल, ये राइटिंग स्किल भी मैं पूरा पूरा वीडियो बना दिया हूँ, फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डू एज डायरेक्ट और राइटिंग स्किल का दोनों का वीडियो मिलेगा, फटाफट देख डालना। देखो यहाँ पर लेटर राइटिंग है, ईजिली दिया गया, फॉर्मल इनफॉर्मल कभी भी मत करना क्योंकि इस पर नंबर कटता है, ए वाला ईजिली करो 100% 5 नंबर ईजिली आप लोग को मिल जाएगा। एंड उसके बाद आते हैं इनफॉर्मल ट्रांसफ़र, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र वर्बल टू नॉन वर्बल, और एक और रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, और करके दिया है, देखो और यहाँ पर एक वर्ड याद रखना और दिया, या तो ए करो या तो ए वाला करो। तो आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इस ए वाला ना करके आप लोग को ए वाला करने का, ये सबसे बेस्ट रहता है, ईजिली आप लोग को इसको पैराग्राफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो मेरे भाई, यही चीज़ करना, वो नॉन वर्बल टू वर्बल ईजिली हो जाएगा। एंड अब आता है स्पीच राइटिंग एंड यहाँ पर ड्राफ्टिंग व्यू काउंटर व्यू, तो सिंपल तरीका मैं बोलूँगा व्यू काउंटर व्यू मत करना, क्योंकि अगर ये चीज़
यहाँ पर राइट योर काउंटर व्यू आ दिस पैराग्राफ ऑन दिस फॉलोइंग द व्यूज। इसमें आप लोग को पैराग्राफ फॉर्मेट में ऐसा करना रहेगा, जस्ट इसको अगर कर रहे हो तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बट स्पीच राइटिंग ईजिली आप लोग यहाँ पर दे सकते हो। स्कूल असेंबली में सिंपल तरीका ये सब पॉइंट को कवर करना, ईजिली आप लोग का हो जाएगा। पाँच नंबर का दोनों में से ये करना। अब आता है क्रिएटिव राइटिंग, इसमें से कौन सा करना चाहिए। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, इसमें से एक्सपांड थीम जो दिया गया ये भी कर सकते हो, न्यूज़ रिपोर्ट तो ज़्यादा चांसेस। देखो ये भी नेचर वाला भी इजी है, एक्सपांड द थीम इसको भी आप लोग 100 वर्ड में बना सकते हो, एंड न्यूज़ रिपोर्ट भी ईजिली बना सकते हो। इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसको देख लेना आप लोग क्लियर। कोई भी एक करना है इसमें से, कोई भी एक पाँच नंबर के लिए। अब आता है इसमें एक क्वेश्चन आप लोग को, यहाँ पर स्टोरी और नरेटिंग एक्सपीरियंस। तो मैं स्टोरी को ना करते हुए मैं नरेट करने का ज़्यादा कोशिश करूँगा ए वाला, तो क्योंकि ए ईजिली आप लोग बना सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग का पूरा पूरा जो था वो चीज़ मैं बता दिया हूँ। ये वीडियो आप लोग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जितना हो सकता है वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना।